जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सुपौल जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुसार द्वितीय चरण में सुपौल सदर प्रखंड के सभा भवन में 26 पंचायतों के ग्राम पंचायत सदस्य का 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ पूर्ण। सुपौल जिले के सदर प्रखंड में आज 26 पंचायतों के सभी पंचायत सदस्य को 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया, जिसमें नोडल पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अनुराधा कुमारी जायसवाल, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद रहे। यह प्रशिक्षण बिहार राज्य में सभी जिलों के सभी पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण देकर ग्राम पंचायत के सभी योजनाओं को प्रारंभ करना है। राजेश कुमार गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत विकास योजना, वित्त वर्ष योजना, ग्राम पंचायत की आगामी सभी योजनाओं को लेकर प्रशिक्षित किया गया। जो योजना किसी भी पंचायत वार्ड में नहीं चढ़ी है उसको दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक अपलोड कर लिया जाएगा तथा सभी प्रतिनिधियों सही तरीके से जो है उपयोग हो, तो इस प्रशिक्षण खत्म होने से या बताने से ये फायदा होगा कि सभी लोग जो है इस चीज को भली भांति समझ पाएंगे और जो विकास योजनाओं में खर्च होने वाली राशि है उसका सही तरीके से उपयोग हो पाएगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। किस पद पर हैं? जिला पदाधिकारी सुपौल के आदेश के अनुसार जो है ये 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सभी ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग वार्ड सभा, वार्ड प्रबंधन समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना, साथ ही हमारा जो भी वित्त आयोग के अंतर्गत 15वीं वित्त आयोग है, कस्टम वित्त आयोग, इससे संबंधित सारी जानकारी जो है ग्राम पंचायत सदस्यों को दी जा रही है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो ग्राम पंचायत के सदस्य या वार्ड सदस्य हैं वो अपने आप को जो है अपने कर्तव्य और अपने दायित्व से जो है अवगत हों और साथ ही साथ अपने जो ग्राम पंचायत हैं उसके लिए जो है अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें और अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए उसका भी जो है निर्वहन सही तरीके से करें। कुल कितने पंचायत की ये सभी वार्ड सदस्य हैं? ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये जिला के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत सदस्य हैं सभी का होना है। इसकी जो तिथि है वो 22 सितंबर तक जो है हमें ख़त्म कर लेना है, जिसके अंतर्गत ये सुपौल प्रखंड में दूसरा बैच चल रहा है और इसमें 4 ग्राम पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनको सम्मिलित किया गया है। उम्मीद है आगे 5 साल में जिस जो भी योजनाएं हैं सारी योजनाओं की समस्या का समाधान निकलेगा। हाँ, इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग जो है अपने नियम और कायदे को जाने और जो भी हमारा बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 है उसके हिसाब से कार्यों को सुचारित रूप से करें। कार्य